हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सब लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल उदित फार्मेसी पे। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डी फार्मा के साथ कौन से ऐसे कोर्स जो कि किया जा सकता है, या फिर डी फार्मा के बाद ऐसे कौन से कोर्स हैं जो किया जा सकता है, मैक्सिमम लोग करते हैं, और कुछ जो आपके डाउट्स हैं वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डी फार्मा लोग करते हैं या फिर जो कर रहे हैं, उन्हें ऐसा कुछ डाउट रहता है कि डी फार्मा करने के बाद क्या हमें कोई कोर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्टली इस बात को हम क्लियर करें कि नहीं, अगर आप चाहें तो डी फार्मा के बाद भी बहुत सारे जॉब स्कोप हैं, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप डायरेक्टली जॉब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है और फार्मेसी का सबसे बेस, मतलब सबसे छोटा कोर्स है, और बहुत ज़्यादा आपको फार्मेसी का नॉलेज यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, एक बेस है। तो इसको करने के बाद लोग और बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो कि करना चाहते हैं और मैक्सिमम लोग करते भी हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है डी फार्मा करने के बाद किया जाने वाला कोर्स है, वो है लेटरल एंट्री के माध्यम से बी फार्मा, जिसमें कि आपको जो है कि अगर आप डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं बी फार्मा में तो 4 साल लगते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप डी फार्मा करके बी फार्मा को जाते हैं तो वहाँ पर आपको लेटरल एंट्री 3 ईयर में, 3 साल में टोटल आपका बी फार्मा ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हो जाती है, स्पेशल से आपका फार्मेसी फील्ड में, जैसा कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम जो है कि किया जाने वाला कोर्स है, स्टूडेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट होते हैं उनके द्वारा बैचलर ऑफ फार्मेसी लेटरल एंट्री के माध्यम से। यहाँ पे इसकी बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स? बेनिफिट ये है, देखिए कि डायरेक्टली अगर इंटर के बाद आप जाते हैं बी फार्मा को, तो वहाँ पर एक सबसे पहले बात करते हैं जो है कि एडवांटेज के, जो आपके कुछ एक है कि आपका डायरेक्टली 1 साल बच जाता है अगर आप डायरेक्टली 12th के बाद जाते हैं तो। ध्यान रखिएगा, नहीं कि डी फार्मा के बाद नहीं, जैसे आप डायरेक्टली 12th के बाद जाते हैं तो वहाँ पे 1 साल बच जाते हैं, 4 साल में ही आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा डिग्री कम्प्लीट हो जाती है। जबकि यहाँ पर आप डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा करने को जाते हैं तो यहाँ पर आपका 1 साल टाइम एडवांस में पड़ जाती है, जैसा कि 5 साल लग जाता है आपको ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होने में। लेकिन यहाँ पर एक जो है कि आपका एडवांटेज है कि आप डी फार्मा करते हैं तो आपको फार्मेसी क्या होती है, फार्मेसी मतलब ये नहीं है कि डी फार्मा कुछ भी नहीं है, बहुत है डी फार्मा आपके लिए, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप डी फार्मा करके बी फार्मा को जाते हैं तो आपको वहाँ पे हवा नहीं लगेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली इंटर के बाद बी फार्मा को जाते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टडी करना पड़ सकता है, थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर डी फार्मा में फार्मेसी के बारे में बहुत चीज़ जान जाते हैं अगर आप पढ़ते हैं वाकई में 2 ईयर जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी है, जो इसकी सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, हालाँकि अलग की बात है, हालांकि बहुत पुराना सिलेबस है, अभी भी अपडेट नहीं हुआ है, मतलब इसका सिलेबस एक्चुअली, मतलब अपनी पर्सनल एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस है इसको चेंज करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, कुछ बहुत सारे नया चीज़ है उसको ऐड करना चाहिए, बहुत सारे पुराने चीज़ हैं उसको हटाना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इस पर हम नहीं बात करते हैं। यहाँ पे जो आप अगर लेटरल एंट्री लेते हैं बी फार्मा में तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है फार्मेसी में, और डी फार्मा में अच्छे से समझ जाते हैं लाइक फार्मेसी क्या है, और फिर अब जब बी फार्मा करने हो जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा हेल्प हो जाता है। लेकिन टाइम का वही थोड़ा सा है कि आपको 1 साल ज़्यादा लग जाती है। और उसको करने के बाद और कोई एडवांटेज की बात करते हैं फ्रेंड्स की, लाइक अगर आप ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे अगर हम बी फार्मा की एडवांटेज की बात नहीं, यहाँ पे हमको जो है कि ग्रेजुएशन की एडवांटेज की बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे डी फार्मा छोड़ के डायरेक्टली बी फार्मा करने के बाद बहुत सारे, मतलब बहुत सारा आपके पास ऑप्शन डबल हो जाते हैं, मतलब ऐड हो जाते हैं, लाइक आप जैसे ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह बन सकते हैं, और साथ ही में जो है कि आप कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लाइक कि बी फार्मा करने के बाद आप डिप्लोमा का टीचिंग वगैरह, मतलब टीचर वगैरह बन सकते हैं किसी भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो है कि इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में। तो ये कुछ आपके पास जो है एडवांटेज है अगर आप डायरेक्टली डी फार्मा करके बी फार्मा करते हैं, तो कुछ जो है कि डिसएडवांटेज भी हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे और दूसरा बात करते हैं हम। सो फ्रेंड्स, दूसरा जो कोर्स किया जाता है वो रहता है लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन मोस्टली वो स्टूडेंट पसंद करते हैं जो बिजनेस पर्पज से डी फार्मा करते हैं, लाइक डी फार्मा कर लिए मेडिकल शॉप के लिए, और साथ ही में जो लैब टेक्नीशियन करेंगे उससे क्या करेंगे कि अपना एक कलेक्शन सेंटर, ब्लड कलेक्शन सेंटर अपना ओपन करेंगे। सो ये ट्रिक काम करता है कुछ रूरल एरिया में या फिर कुछ छोटी सिटी में, लेकिन यहीं पे हम बात करें कुछ बड़े सिटी की, स्मार्ट सिटी की, तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या है कि आप डी फार्मा करके भी गए हो या फिर आप छोटे भी सिटी में, लेकिन आप कहीं हॉस्पिटल के ठीक सामने हो या फिर ऐसे जहाँ पे हो जहाँ पे आप अपने मेडिकल स्टोर में खुद बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, तो आप लैब टेक्नीशियन में कहाँ से अपना जो है कि ब्लड कलेक्ट करोगे, ब्लड कलेक्शन का काम कहाँ से आप करोगे। सो फ्रेंड्स, ये तो
जैसा कि आपका डी फार्मा के बाद लैब टेक्नीशियन के साथ, तो लैब टेक्नीशियन अगर आपका रिक्वायर है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपके एरिया में या फिर आप जहां हैं वहां पे आवश्यकता पड़ सकता है, तो आप जो है कि डी फार्मा के बाद लैब टेक्नीशियन भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको थोड़ा सा जॉब मिलने का भी चांस थोड़ा बढ़ जाते हैं, लाइक कि अगर कोई लैब टेक्नीशियन का फॉर्म आया उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई आपका फार्मासिस्ट का जॉब आया उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है ज़्यादा किया जाने वाला कोर्स है ये है ग्रेजुएशन, लाइक कि वो तो एक बी फार्मा ग्रेजुएशन था ही, लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो जैसे कि बीए या फिर बीएससी, बीकॉम, तो इस तरह के कोर्स किया जाता है, मतलब लोग करते हैं। अगर हम साथ में बात करें तो साथ में फ्रेंड्स अगर आप रेगुलर वे में करते हैं, जैसे कि अगर आप बीए रेगुलर दिखाते हैं तो नहीं कर सकते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो कर सकते हैं डी फार्मा के साथ साथ में, या फिर आप इंटर कंप्लीट करने के बाद बीए में भी एडमिशन ले सकते हैं, डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको बीए प्राइवेट करना होगा या फिर बीएससी किसी ओपन यूनिवर्सिटी से करना होगा, प्राइवेट से करना होगा, रेगुलर तो आप नहीं कर सकते क्योंकि डी फार्मा एक खुद रेगुलर कोर्स है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कि डायरेक्ट आप दोनों साथ में नहीं कर सकते, आगे पीछे करके कर सकते हैं अगर दोनों रेगुलर करना चाहते हैं तो। अगर आप ग्रेजुएशन अपना रेगुलर नहीं करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए उन लोग पास मतलब थोड़ा सा दो अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि एक लाइक हम फार्मासिस्ट हैं, ही दूसरा मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, हम कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी अगर ग्रेजुएशन बेस पे आती है तो उस पर भी हम फिल कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग प्रकार की भी इसमें विभाग देता है, रिक्वायर रहता है कि आपका लाइक कि मतलब कॉमर्स होना चाहिए या फिर साइंस होना चाहिए, जियोलॉजी होना चाहिए, तो अपना आप पर्सनली मैटर है, देख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए परफेक्ट है। तो ये कुछ किया जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद जो है कुछ स्टूडेंट जो है कि डॉक्टर भी बनते हैं डी फार्मा करने के बाद, जैसे कि बीडीएस या फिर बीएएमएस या फिर बीएचएमएस, ऐसे भी कुछ लोगों में देखा हूँ जो कि करते हैं। हालांकि मुझे पर्सनली बीडीएस तो अच्छा लगता है डी फार्मा के बाद, अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं और बीडीएस कर लेते हैं तो, लेकिन अरे यहाँ पे हम बात करें लाइक कि मतलब बीएएमएस की या फिर बीएचएमएस की या फिर और भी आयुष के डॉक्टर की, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप अगर आयुर्वेद से हो या फिर आप अलग किसी जैसे होम्योपैथ वगैरह से फार्मेसी की हो तो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसे कि लाइक डी फार्मा एलोपैथ से की हो यहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन से, तो वहाँ पे अगर आप आयुष में घुस रहे तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। और बीडीएस है तो मतलब अच्छा है, बीडीएस करना चाहिए, बीडीएस ठीक है। सो फ्रेंड्स यही कुछ ज़्यादा किया जाने वाला कोर्स है। फिर भी आपके दिमाग में कुछ और कोर्स चल रहा है कि लाइक मैं डी फार्मा के साथ ये करना चाहूँगा या फिर मुझे ये करना चाहिए, या फिर आप क्या सोचते हैं, आप डी फार्मा के बाद डायरेक्टली जॉब करना पसंद करते हैं या फिर कुछ अदर स्टडी करना पसंद करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं, मेरे साथ साझा कर सकते हैं, और साथ में कुछ और भी लोग जो आप लोग हैं मतलब बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे तो वो भी जान सकते हैं कि हाँ क्या कुछ मतलब स्टूडेंट करते हैं और क्या कुछ करना चाहिए। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और भी आपके अगर कोई फ्रेंड सर्कल में है जो कि ऐसे आ सकते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।